नगर पालिका निगम भिलाई में बन रहे मदर्स मार्केट के परिसर में शहर का सबसे बड़ा दो मंजिला वाटर एटीएम निर्मित हो रहा है। इस वाटर एटीएम की क्षमता भी बहुत ज्यादा रहेगी और ये वाटर एटीएम आरओ सिस्टम पर आधारित होगा। इस वाटर एटीएम में आरओ की मशीन लगाई जा रही है और इस मशीन के चलने एवं मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त स्टाफ भी रखा जाएगा। इस वाटर एटीएम की क्षमता इतनी है कि पूरा क्षेत्र यहां से शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकेगा। मदर्स मार्केट में होने की वजह से नेशनल हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों को भी इसका भरपूर लाभ मिल पाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ा स्पष्ट है। वाटर एटीएम मशीन जो है वो स्थापित किया जाना है। आरओ वाटर का जो मशीन है वो स्थापित किया जाना है। इसके लिए जो है तैयारी चल रही है और लगभग जो है काम अंतिम चरण पे है। लगभग 95% काम पूरा हो गया है। मुझे लगता है इस गर्मी में हम इसको चालू कर पाएंगे और इसके लिए जो है 40 लाख की लागत से जो है वो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसमें आरओ वाटर की टंकी भी होगी, मशीन भी होगी और ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे जिसको लोगों को हम पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा पाएँ। क्योंकि जितने भी वाटर एटीएम हैं उनमें से ये सबसे बड़ा और भव्य और इसकी कैपेसिटी भी अधिक रहेगी। इस परिप्रेक्ष्य पे निगम इस वाटर एटीएम को तैयार कर रहा है। सर, दो तल देखने को मिल रहे हैं उसमें, तो ऐसा क्या दो तल में विशेष होगा? देखिए, आरओ मशीन एक तो स्थापित करना है जिसके लिए दोनों तल की आवश्यकता है, जब भूतल भी हो सकता है, प्रथम तल भी है। तो इस स्ट्रक्चर में चूंकि मशीनें स्थापित की जानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ में इसको तैयार किया जा रहा है। सर, जो सार्वजनिक तौर से भी इसका उपयोग हो पाएगा या सार्वजनिक तौर पर ही इसका उपयोग किया जाना है? ये सभी के लिए है। एक्चुअली ये पूरे निगम वासियों के लिए, पूरे शहर वासियों के लिए कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मदद मार्केट के लिए होगा या इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं है। सार्वजनिक है, नागरिकों के लिए।